बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स, इस वीडियो सत्र में आपको जो ग्रेडिंग की लास्ट प्रॉपर्टी जो रह गई थी उसको आगे लेते हुए बढ़ रहे हैं, जिसमें सेंट्रल मैक्स सेंट्रल या मुख्य उच्चिष्ट व्यतिकरण मुख्य उच्चिष्ट जो प्राप्त होता है ग्रेडिंग में उसकी विर्थ क्या है, उसका एक्सप्रेशन जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहां से देखेंगे आप, यहां से विड्थ ऑफ मैक्सिमा, थोड़ा सा उसको जूम करने की कोशिश कर रहा हूं कि जूम हो जाए और उसमें फिर आपको बताएं, उसको इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। ये देखिए आप, ये दो फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, ई प्लस बी साइन थीटा बराबर एल लैम्डा। जैसे कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये ग्रेटिंग का फॉर्मूला है और ग्रेटिंग में भी जो व्यतिकरण उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं, तो मुख्य उच्चिष्ट प्राप्त होता है उसका फॉर्मूला है ई प्लस बी साइन थीटा बराबर एल लैम्डा। पहले इसको पकड़े आप, उसके बाद उसके बगल में उसके आजू बाजू जो जो आपको निम्निष्ट प्राप्त होते हैं, ये उसका फॉर्मूला है। उसका जो निम्निष्ट होता है, उसका जो न्यूनतम वाला पॉइंट होता है, उसका सूत्र क्या है, e प्लस बी साइन थीटा प्लस डी थीटा बराबर p बटे n, p का मान कितना होता है n n प्लस माइनस n n प्लस माइनस 1 अपॉन n इनटू लैम्डा, ये उसका मान होता है। यानी जो जो उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट के दोनों ओर क्या होंगे, निम्निष्ट होंगे और उनका कोण क्या है, थीटा प्लस डी थीटा कोण पर माना प्राप्त हो रहा है, तो वो आपने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो ये चीज को पहचाने आप। आप क्या करेंगे कि इस वाले समीकरण में इसका भाग लगा देंगे। आप देख रहे हो ये रहा, ये जो भाग लगाया है e प्लस बी साइन थीटा में इसका भाग लगा दिया, डिवाइड कर दिया इसको, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, ये आप देख पा रहे हैं, ये आपने ये भाग किया, भाग करेंगे तो ये आप देख पा रहे हैं लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, e प्लस बी सी प्लस बी कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा साइन थीटा प्लस डी थीटा एन, ये क्या बचेगा साइन थीटा, और ये वन प्लस कैपिटल एन का भाग लगाओगे तो यहाँ एन एन नीचे क्या बच गया एन एन, एन एन का भाग लगाओगे तो वन प्लस एक बटा एन एन, क्लियर। ये आपने सिंपल रूप से भाग लगा लिया। अब साइन थीटा प्लस डी थीटा एन को अगर आप खुलेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के पद से, साइन थीटा का भाग लगा देंगे बराबर वन प्लस एक बटा एन एन, और इसमें आप जरा जैसे कि आपको पता होगा कि जब कोण बहुत छोटा होता है थीटा का मान, तो कॉस की वैल्यू तो एक होती है, कॉस डी थीटा का मान एक होगा और साइन डी थीटा का मान डी थीटा होगा, यह आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। साइन थीटा है, कॉस डी थीटा का मान एक हो गया, यहाँ पर एक लिख दिया, कॉस थीटा है, लेकिन साइन डी थीटा चूंकि डी थीटा छोटा है इसलिए ये क्या है डी थीटा एन आ गया बटे साइन थीटा, इस तरह वन प्लस एक बटे एन एन, इसका भाग लगाएंगे आप तो ये क्या बचेगा वन प्लस कॉट टी थीटा एन बराबर वन प्लस एक बटा एन एन, और ये एक से एक कैंसिल हो गया, कॉट थीटा बराबर डी थीटा एन बराबर एक बटे एन एन, और डी थीटा एन का मान क्या आ गया एक बटे कॉट थीटा, उसको ऊपर ले जाएंगे तो टेन थीटा आ गया, ये डी थीटा आ गया। यानी ये आपका जो मुख्य उच्चिष्ट है उसके दाई ओर का अर्ध हिस्सा है, और अर्ध हिस्सा कहाँ होगा बाई ओर होगा, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो टू थीटा, यानी कुल जो कोणीय चौड़ाई आएगी मुख्य उच्चिष्ट की वो क्या होगी ट्वाइस डी थीटा एन, और उसकी वैल्यू कितनी होगी ट्वाइस टेन थीटा, उसकी उसकी वैल्यू कितनी होगी ट्वाइस, यानी ये ट्वाइस डी थीटा एन और ट्वाइस टेन थीटा बटे एन है, ये इसकी वैल्यू होगी। तो इस प्रकार ये सेंट्रल मैक्सिमा जो आपको प्राप्त होता है उसका आपने ये मान निकाला, चौड़ाई निकाली, विड्थ निकाली। अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आगे बढ़ रहे हैं, इसका नाम है विभेदन क्षमता, रिजोल्विंग पावर और विभेदन सीमा। चूंकि जैसे आपको नाम से पता पड़ रहा होगा, विभेदन क्षमता माने दो समीपस्थ जो वस्तु हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बहुत नज़दीक रखे हुए हैं, दो समीपस्थ बिंबों को अलग अलग किसी भी प्रकाशीय मशीन के द्वारा, किसी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा
दो समीपस्थ वस्तुओं को अलग अलग देख पाने की क्षमता को उस यंत्र का, उस प्रकाशिक यंत्र की क्षमता कहते हैं, विभेदन क्षमता कहते हैं। जैसे आंख भी अपना एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, टेलीस्कोप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ग्रेटिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, प्रिज्म ग्रेटिंग अपना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इनके द्वारा यदि दो स्पेक्ट्रमी रेखाओं को या दो समीपस्थ वस्तुओं को अलग अलग देख सकें तो वह जो क्षमता होगी उस एपरेटस की, वह क्या कहलाएगी, उसकी विभेदन क्षमता कहलाएगी। और विभेदन सीमा, जैसे क्या, वो विभेदन सीमा क्या होगा, सीमा यानी दो स्पेक्ट्रम रेखाओं की समीपस्थ बीच की दूरी। तो दूरी जितनी कम होगी क्षमता उपकरण की उतनी ज़्यादा होनी चाहिए। तो दोनों में संबंध क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, कि अगर दोनों वस्तुओं पास पास रखी हुई हैं अत्यधिक, तो उनको स्पष्ट देखने के लिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जो क्षमता है वो का मान ज़्यादा होना चाहिए। यानी विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा में जो संबंध रहेगा वो कैसा रहेगा, एक बटा रेसिप्रोकल का रहेगा, एक बटा यानी ऐसे होना चाहिए कि तो इस तरीके से ये चीज़ आपको पता। जैसे इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि ये देखिए आप, ए और बी दो चित्र हैं, इसका जो मुख्य उच्चिष्ट है वो ये बन रहा है, विवर्तन उच्चिष्ट, इसका जो विवर्तन उच्चिष्ट है वो ये बन रहा है, दोनों अलग अलग बन रहे हैं, दोनों पूर्णतः विभेदित हैं, ए और बी क्या कहलाएंगे, पूर्णतः विभेदित, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस यहाँ देखिए आप, इसमें हाँ, अब मैं जो आपके बिंदु पढ़ा रहा हूँ वो क्या पढ़ा, वो रैले क्राइटेरियन, रैले की कसौटी, दो समीपस्थ बिंबों, दो रैले की कसौटी क्या कहती है, कि दो समीपस्थ बिंब मात्र विभेदित होंगे, जस्ट रिजॉल्व होंगे, कब होंगे रिजॉल्व, जब एक वस्तु का विवर्तन उच्चिष्ट दूसरे वस्तु के विवर्तन उच्चिष्ट के निम्निष्ट से संपाती हो। यानी एक ऑब्जेक्ट का, एक वस्तु का विवर्तन उच्चिष्ट दूसरी वस्तु के विवर्तन निम्निष्ट से संपात कोइंसाइड करेगा, तब दोनों वस्तुएं क्या कहलाएंगी, दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाएंगे, जस्ट रिजॉल्व कहलाएंगे, मात्र विभेदित कहलाएंगे। यानी जो आप देख पा रहे हैं ए और बी दो वस्तुएं हैं, ये तभी रिजॉल्व है जब ए, देखो ए का ए पर क्या आ रहा है, इस बी का निम्निष्ट आ रहा है, और इसका क्या आ रहा है, ये उच्चिष्ट आ रहा है। ऐसे ही बी पर क्या आ रहा है, बी पर आप देखो ए का निम्निष्ट है, ठीक है, और तो इसका क्या है, उच्चिष्ट, दोनों संपाति हो रहे हैं। देखिए ये संपाति हो रहे हैं। तो ये रैले ने बताया था। अब रैले की कसौटी के अनुसार का यूज करके अपने जो कोर्स में ये कुछ चीजें हैं वो क्या है, कि आप ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता का मान ज्ञात करना, कि ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर क्या है, इसका अध्ययन करना, इसका डेरिवेशन करना, ये अपने कोर्स में। तो इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि ये ग्रेटिंग है, इसमें ग्रेटिंग है, ये आपतित प्रकाश है, इसमें लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा का प्रकाश, दो प्रकार का लैम्डा का प्रकाश मिक्स है, यानी दो स्पेक्ट्रम रेखाएं इसमें निहित है, इसकी स्पेक्ट्रम में ये आप इसको आपतित कर रहे हैं। और आपतित करने के बाद पर्दे पर आपको माना ये दोनों मात्र विभेदित तभी होंगी जब एक यानी लैम्डा का ये विवर्तन उच्चिष्ट प्राप्त हो, और लैम्डा प्लस डी लैम्डा वाले प्रकाश का स्थिति का विवर्तन उच्चिष्ट प्राप्त हो, और दोनों देख पा रहे हैं आप, इसका उच्चिष्ट इसका निम्निष्ट, दूसरी ऐसी यानी कि आप इसका निम्निष्ट इसका उच्चिष्ट दोनों संपाती है, इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा वाले जो दोनों स्पेक्ट्रम रेखाएं वो मात्र विभेदित है। क्लियर, ऐसे आपको माना प्राप्त हो रही है। और ये कोण क्या है, थीटा, अभी वाला कोण क्या है, थीटा प्लस डी थीटा। तो आप इसको पकड़िए, आप थीटा और थीटा प्लस डी थीटा कोण पर आपको दो चीजें प्राप्त हो रही है, जो चीज आप देख पा रहे, क्लियर। इस पर आपको यानी यह देखिए आप, इसमें इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि E प्लस बी साइन थीटा प्लस डी थीटा इज इक्वल टू एल लैम्डा प्लस डी लैम्डा, यानी लैम्डा प्लस डी लैम्डा का जो प्रकाश है उसका आपको क्या मिल रहा है, उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है। क्लियर,
यानी ये जो चीज है ये वाली, यहां से आप इस थीटा को हटा दें, केवल थीटा रहने दें, इसको भी हटा दें, इसको भी हटा दें, और ये भी। अब आप देखें ये आपने हटा दिया साइन थीटा, इसको देखें आप यहां पर इस थीटा कोण पर आपको लैम्डा प्लस डी लैम्डा का क्या मिल रहा है, उच्चिष्ट मिल रहा है। लैम्डा प्लस डी लैम्डा का उच्चिष्ट की शर्त ये है, आपको पता है। अब इसी पर क्या मिल रहा है, इस पर देखिए आप, इस पर क्या मिल रहा है, लैम्डा वेवलेंथ का यानी इसका निम्निष्ट आ रहा है। देखिए लैम्डा का क्या आ रहा है, इसी कोण पर निम्निष्ट प्राप्त हो रहा है, एन एन प्लस माइनस वन अपन डी एस की शर्त है, जैसे कि आपको पता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें यू शुड हैव नो प्रॉब्लम आई थिंक। आप क्या निकालने जा रहे हैं, ग्रेटिंग की रिजोल्विंग पावर। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि दोनों को आप, दोनों साइड को आपने बराबर कर दिया, एल लैम्डा प्लस डी लैम्डा बराबर ये कर दिया, तो यहां से क्या होगा, आप देख पा रहे हैं लैम्डा का आपने गुणा भाग कर दिया, ये सब ये कट गया, एल लैम्डा से एल लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा आपके पास, एन डी लैम्डा बराबर लैम्डा बटे एन, और लैम्डा बटे डी लैम्डा, इसको पकड़िए आप, लैम्डा प्लस डी लैम्डा बराबर क्या आएगा, डी लैम्डा को यहाँ ले आओ, एन एन के बराबर आएगा, और लैम्डा बटे डी लैम्डा को क्या बोलते हैं, ग्रेटिंग की विभेदनीय क्षमता। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग इज व्हाट, कैपिटल आर, एंड इट इज गिवन बाय व्हाट, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा, एंड इट इज कमिंग टू एन एन, ये किसके बराबर आ रही है, एन एन के, एन क्या है नंबर ऑर्डर ऑफ ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम, और कैपिटल एन क्या है नंबर ऑफ स्लिट्स, नंबर ऑफ लाइंस ऑन द ग्रेटिंग। तो एन का, चूंकि आपको पता है कि एन का, बड़ी एन का मान बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए ग्रेटिंग की जो विभेदन क्षमता है उसका मान बहुत ज्यादा होता है कंपेरेटिवली टू अदर चीज। इसलिए अपने कोर्स में केवल क्या है, प्रिज्म की और टेलीस्कोप वगैरह की नहीं है विभेदन क्षमता का फॉर्मूला निकालना, केवल इस ग्रेटिंग की है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। थैंक यू।